अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा लेक्चर है कि क्वाड्रेटिक फार्मूला को इस्तेमाल करते हुए एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की हल सेट कैसे मालूम करना है, यानी कि हमने एक्स की कीमत निकालनी है तो वो कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो ये चलते हैं पहले फार्मूले की तरफ। अब यहाँ देखें कि हमारे पास ए एक्स की 2 + bx + c इज इक्वल टू 0 है। तो इसमें जो क्वाड्रेटिक फार्मूला अखज़ किया जाता है वो कैसे निकलता है, एक्स इज इक्वल टू -b - b² - 4ac/2 है। तो यहाँ पर a जो है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर 0 के बराबर हो जाएगा तो ये हमारा फार्मूला इसको प्रूफ नहीं कर सकेगा। तो ये हमारे पास जो एक्स स्क्वायर है, एक्स के साथ जो बेस होगी उसको हम ए के साथ ज़र करेंगे। अब चलते हैं सवाल की तरफ। हमारे पास ये x² - 5x - 6 = 0 है। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर के साथ जो बेस है यानी कि ए की कीमत वो कितनी है, 1, जबकि बी हमारे पास कितना आ जाएगा -5 और सी हमारे पास कितना आ जाएगा -6। ठीक, तो हम यहाँ पर एक्स का फार्मूला लगाएंगे -5, यानी कि पहले -b² - 4ac। तो इसमें कीमतें दर्ज कर दें, जहाँ पर b है वहाँ पर b की कीमत, जहाँ पर a है वहाँ पर a की कीमत, और जहाँ पर c है वहाँ पर c की कीमत दर्ज कर दी। तो x इज इक्वल टू आ जाएगा, ये माइनस माइनस के साथ कैंसिल होगी, जमा माइनस माइनस 5 का मुरबा 25 बन गया। इसी तरह ये -4 को अंदर ज़रब दी -6 के साथ, तो ये -24 आ गया, 2, क्योंकि 1 के साथ ज़रब खाएगा तो ये 2 बन जाएगा। अब देखें -25 - 24 हो गया 49√2। -5 - -7 बन जाएगा 2 बराबर है 12/2। एक कीमत हमारे पास ये आ गई, दूसरी कीमत हमारे पास ये आएगी कि हमने 5 - 7/2 कर देना। तो ये -2 के साथ 2 कट गया, तो -1 इसका जवाब आ जाएगा। इसी तरह हमारे पास एक और रकम है 2x² - 4x - 7। तो यहाँ पर a 2 के बराबर है, b -4 के बराबर, और c बराबर है 7 के। तो इस क्वाड्रेटिक फार्मूले में हमने ये तमाम कीमतें दर्ज कर देनी है। -((), पहले b की कीमत आ जाएगी, फिर उसके बाद b² की कीमत आ जाएगी, -4((),
ए की कीमत और सी की कीमत। बटा चार, चार जमा माइनस 16 माइनस 56 माइनस 46 आ गया, तो बटा चार। क्योंकि ये माइनस है तो माइनस का आगे हल नहीं किया जा सकता, इसलिए ये इसका सोल्यूशन सेट निकालना नामुमकिन है। तो क्योंकि आयोटा फॉर्म में आता है जवाब इसका, तो ये इसका जवाब क्या आएगा, नो सोल्यूशन आएगा इसका, जब ये माइनस की शक्ल में आ जाए।